हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। बात करेंगे आज इस वीडियो में एक बार फिर से सनी देओल की मच अवेटेड फिल्म गदर 2 को लेकर, जिसे देखते देखते 5 वीक कंप्लीट हो चुके हैं और ये फिल्म अपने 6 वीक में यानी 6ठे वीक में भी सक्सेसफुली एंटर हो चुकी है और आज ये फिल्म अपने 37 दिन 60 लाख की रेंज में कलेक्शन करते हुए नजर आ रही है, जो कि देखा जाए तो ठीक ठाक कलेक्शन है। लेकिन संडे को देखते हुए इतना भी कुछ खास नहीं है। जिस हिसाब से इस फिल्म ने हर दिन नया कलेक्शन किया, नए रिकॉर्ड्स अपने नाम किए, उसी तरह से फिल्म अब बहुत ज़्यादा डाउन होते हुए नज़र आ रही है और कहीं ना कहीं मुझे नहीं लगता कि अभी फिल्म जवान के रिकॉर्ड्स को ब्रेक कर पाएगी। जवान ने कमाया है ऑल टाइम 524 करोड़ रुपये हिंदी नेटबॉक्स ऑफिस पर, और वहीं जो कलेक्शन हो चुका है गदर 2 का अभी तक का 37 दिनों के अंदर अंदर वो हो चुका है 518 करोड़ 56 लाख रुपये। क्या लगता है, क्या इस फिल्म में अभी भी इतना पोटेंशियल है कि फिल्म 5.5 करोड़ रुपए और कमा ले इंडियन बॉक्स ऑफिस पर हिंदी भाषा में? आपकी राय आप लोग कमेंट में मेंशन कर सकते हो। और बताना चाहूँगा ये फिल्म आज अपने 37 दिन कलेक्शन कर रही है 60 लाख की रेंज में इंडियन बॉक्स ऑफिस पर। अगर बात करूँ फिल्म के टोटल ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की, तो आपको जानकर हैरानी होगी कि इस फिल्म का टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हो चुका है 683 करोड़ प्लस। इस फिल्म को रिलीज़ हुए 37 दिन हो चुके हैं, तो वहीं पर जवान ने सिर्फ 11 दिनों में 840 करोड़ रुपए कमा लिए हैं। जी हाँ, जवान इससे आगे निकल चुके हैं ऑल ओवर, और बहुत जल्दी ये फिल्म जो है जवान इस फिल्म से भी आगे निकल जाएगी, पठान से भी आगे निकल जाएगी और गदर 2 को भी पीछे कर चुकी होगी। गदर 2 आप लोगों ने देखी, जवान आपने देखी, तो आपको कौन सी फिल्म लगी बेहतर, आपकी राय मेंशन करना मत भूलिएगा। थैंक यू।